डॉक्टर राजेश चंदल इज विद अस हियर टू ग्रेस यू सो मच डॉक्टर राजेश ज्वाइन करने के लिए एंड एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट ऑन दिस वर्ल्ड कैंसर डे टू स्प्रेड अवेयरनेस कैंसर के ऊपर एंड हम लोग कैसे कैंसर uh, में फ्रॉम अर्ली डिटेक्शन से प्रिवेंशन से ट्रीटमेंट uh, के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद हम कैसे एक uh, डिसीजन मेकिंग एक अच्छी हम लाइफ जी सकते हैं सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आज वर्ल्ड कैंसर डे के दिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि uh, डॉक्टर uh, हमारे साथ में है एंड वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दिस वर्ल्ड कैंसर डे चार फरवरी को मनाया जाता है और इसका पर्पज़ ये रहता है कि हम प्रिवेंशन ट्रीटमेंट और रिकवरी के अराउंड अवेयरनेस बढ़ाएँ और खुद के लाइफ में भी उसको इनकॉर्पोरेट करें ताकि हम कैंसर uh, को रूट कॉज से जर से हील uh, कर सकते हैं And uh, Dr. Rajesh Jindal is uh, a very distinguished medical oncologist with more than 25 years of experience. He has gained valuable experience from prestigious institutions like Ames, New Delhi, and Tata Memorial Hospital, Mumbai. He initiated work on new adjuvant chemotherapy in advanced head and neck cancers at Ames, New Delhi. He worked extensively with Dr. Advani TMH Mumbai, pioneering chemotherapy in locally advanced breast cancer. Dr. Rajesh Jindal ko, um,

तो मैं अभी आप मेरे को पहले तो स्क्रीन शेयर करना बताइएगा yes, स्क्रीन शेयर है आप अपनी प्रेजेंटेशन पे जाएंगे माई प्रेजेंटेशन इज ओवर एंड मेंबर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी क्वेश्चंस आप चैट में लिख दीजिए सो so, हम डॉक्टर की प्रेजेंटेशन के बाद uh, क्वेश्चंस को लेने का थैंक यू Am I there? Yes, doctor. Uh, yes. हमें आपकी स्क्रीन दिख रही है uh, okay. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है गुड ओके सो नाउ लेट सी आई मीन लेट मी प्लेस दिस दिस थिंग आल्सो प्रॉपर्ली या एंड नाउ आई थिंक आई एम आई एम रेडी टू यस डॉक्टर या थैंक यू आप सबको सबको मेरा नमस्कार मालूम हो और आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष में मैं जितने भी कैंसर के मरीज हैं सबको अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ भगवान जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे और अपना जो इलाज आप कर रहे हैं जिसके पास भी कर रहे हैं पूरी श्रद्धा से भक्ति से यथाशक्ति इलाज कीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा जितने भी कैंसर हेल्थ प्रोवाइडर्स इधर के ऊपर में हैं आ, आप लोगों को सबको नमस्कार क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग सब भी तो मेरी भी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा योगदान इसमें करूं का शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत आप सबका। जिंदलो so तो okay? so you know uh, well, आपको बता दिया आई एमडिकलॉजिस्ट ना हाउ डू आई मूव माई स्लाइड आई थिंक डिम्पल देर इज क्या?

दिमाग के अंदर में सवाल कौनते हैं कैंसर होता क्या है किस वजह से होता है डायग्नोसिस कैसे होता है कैंसर का और जीन्स का कोई संबंध है क्या आपस में वंशानुगत तो नहीं है अगर उसको हुआ है तो उसके बेटे का क्या होगा उसकी बेटी का क्या होगा उसके पिताजी को था क्या और सबसे बड़ी बात जो उसके बाद आदमी अपने लिए सोचता है कि मैं कैसे बच सकता हूं इससे तो मेरे जो जो ऊपर के चार प्रश्न हैं उन पे तो एक उड़ती उड़ती बात करेंगे लेकिन मैं कैसे बच सकता हूं उस बारे में ज्यादा बात करेंगे अपन राइट तो <coughs> कैंसर होता होता क्या क्या है क्या होता है है देखिए कि अपना सारा शरीर जो ना कोशिकाओं का बना हुआ होता है सेल्स का बना हुआ होता है जिनका कि रेगुलर रिप्लेसमेंट होता रहता है है ना क्योंकि कोई भी चीज सौ साल तो जिंदा नहीं रह सकती उन सेल्स का रिप्लेसमेंट होता रहता है वो जो सेल जो मल्टीप्लीकाईड मल्टीप्लीकेशन जो सेल्स का होता है उनमें से मल्टीप्लीकेशन के दर कोई एक सेल में छोटी सी एबनॉर्मैलिटी पैदा हो जाती है और वो एब्नॉर्मैलिटी इतनी छोटी होती है कि आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है वो उसको नहीं पकड़ पाता है और वो एबनॉर्मैलिटी जो है फिर अगले मल्टीप्लीकेशन में उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है अगले में उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है एक दिन वो सेल इस तरह का हो जाता है कि आपके जो शरीर का इम्यून सिस्टम है जो भी सिस्टम है कोई कंट्रोल नहीं रहता उस सेल के ऊपर में वो सेल देन इट टेक्स टू अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लीकेशन और सेल जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता आगे जाके सो so, इसके अंदर में दिस वुड बी अ पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ये नॉर्मल सेल्स हैं सारे एक सेल एबनॉर्मल हुआ है जनरली वो सेल अपने आप से खत्म हो जाता है नहीं तो ऑटो इम्यून सिस्टम उसको मार देता है लेकिन ये सेल जो एबनॉर्मेलिटी है ये अक्यूमुलेट होती जाती है और एक दिन वो जाके ट्यूमर बन जाता है इसीलिए आपने देखा होगा कि डायबिटीज पेनक्रियाज में होती है आर्थराइटिस ज्वाइंट में होती है और हार्ट के अंदर में ब्लॉक्स होते हैं लंग्स के अंदर में सीओपीडी होता है लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि शरीर के सारे हिस्सों में हो सकती है राइट फ्रॉम द ब्रेन अप टू द अप टू द लेफ्ट लिटिल टो वो इसलिए होती है क्योंकि सारा शरीर सेल्स का बना हुआ होता है जहां भी सेल्स होंगे उधर कैंसर हो सकता है तो इसका मतलब सारे शरीर में सब कहीं के ऊपर में कैंसर कैंसर होने की संभावना है इसलिए आपको और मेरे को और भी ज्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है तो इज देर पर्सन हूज इम्यून टू कैंसर भाई कोई ऐसी बीमारी भी तो होती है ना कि मैंने कि, किसी को हो ही नहीं सकती ऐसी कोई बात नहीं है और क्यों नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि सारा शरीर आपका सेल्स का बना हुआ है तो जहां भी सेल्स का रिप्लेसमेंट होगा जहां मल्टीप्लीकेशन होगा जहां रेप्लीकेशन होगा इतनी सी अब आ सकती है और वो आगे जाके बड़ी हो सकती है तो इस मारे से कहते हैं कि कैंसर के प्रति जागरूकता इसलिए ज्यादा अपने को जरूरी है इंडिया में कैंसर का क्या इंसिडेंस है लगभग 80 से 100 केस पर लाख के ऊपर में होता है एक लाख आदमियों का आप समूह लीजिएगा उसमें से लगभग 100 केस आपको जो है कैंसर के हर साल मिलेंगे ये हर साल की बात हो रही है राइट right. तो लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस फिगर इज एन अंडर रिप्रेजेंटेशन संख्या शायद कुछ ज्यादा है पर प्रति लाख के ऊपर में हो सकता है ये संख्या 80 से सौ लेके 125 से 150 के बीच में भी हो सकती है ऐसा एक्सपर्ट्स का अनुमान है 2022 के अंदर में लगभग 16 मिलियन न्यू केसेस हुए थे मिलियन का मतलब होता है एक करोड़ साठ लाख लेकिन आप सोचिए यही बात जाते जाते दो हजार पचास के अंदर में पैंतीस मिलियन हो जाएगी थ्री पॉइंट फाइव करोड़ केसेस ओनली ऑफ कैंसर इन दिस कंट्री डेढ़ सौ करोड़ की आबादी है साढ़े तीन करोड़ के आसपास में आपको जो है कैंसर के केसेस दो के अंदर में मिलेंगे ओके इंसिडेंस इन कैलकटा आई डोंट थिंक दिस विल बी ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनी इसमें एक चीज बताने की बात है कि कैलकाटा में सबसे ज्यादा लंग कैंसर होता है हिंदुस्तान के अंदर में किस वजह से हो रहा है शोध जारी है लेकिन जो यहाँ पे बंगाल में मैं भी कलकत्ते से बोल रहा हूँ लोगों के जो स्मोकिंग हैबिट्स है एंड आई बिलीव एयर पोल्यूशन आई बिलीव ऑल दी अदर थिंग्स नो विच कॉन्ट्रीब्यूट टो एयर पोल्यूशन उसकी वजह से आई थिंक कलकटाइज द लार्जेस्ट इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर इन द कंट्री अब जैसे कि मैंने बोला कि शरीर के सारे अंगों में कैंसर हो सकते हैं और कैंसर कोई एक बीमारी नहीं होती एक अंग में भी कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं तो कई सौ में गिनती हो जाएगी उनकी हरेक के अलग अलग साइंस होंगे हरेक के अलग अलग सिम्टम्स होंगे तो फिर उनको जानेंगे कैसे पहचानेंगे कैसे संभव है क्या जानना पहचानना बिल्कुल संभव है और संभव इस तरीके से है कि थोड़ी सी जागरूकता रखिए अपने शरीर पे ध्यान दीजिएगा उसकी बात सुनिए उसकी बात समझने की चेष्टा कीजिएगा राइट द आईज डू नॉट सी वॉट द माइंड डज नॉट नो सो वॉट यू हैव टू डू इज टू ओपन अप योर माइंड है ना दिमाग को खोलिए है ना कान खोलिए अपने आंखें खुली रखिए अपने और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा उसमें कुछ ज्यादा कुछ लगता नहीं है एकदम से छोटी छोटी सी बातें हैं देखने की और खुद को समझे समझने की समझाने की बातें हैं तो इसके अंतर्गत आता है अपना अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर कैंसर के अग्रिम संकेत क्या है राइट right? कैंसर के अग्रिम संकेत अपन एक एक करके काउंट करते हैं। आपको बीच बीच में एग्जाम्पल्स भी दूंगा तो शायद ज्यादा बात समझ में आ सकेगी अः सम... अपन सब सबसे पहले खाने पीने से शुरू करते हैं

राइट यू नो बट दिस कंप्लेंट माइट बी वेरी वेरी क्या होता है आप एक दो दिन को शादी ब्याह के अंदर एक दो दिन को पेट सबका भी होता on, ये जो शिकायत जो कर रहा है कब से कर रहा है वाकई में शिकायत है या खाली उसके मन का वहम है ना ये सब बातें आपको देखनी पड़ेंगी जांचनी पड़ेंगी बट एज अ रूल ऑफ दचास बरस की उम्र के बाद में चालीस बरस की उम्र के बाद में मे भी बट मोर आफ्टर फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज कोई भी शिकायत अगर आपको पंद्रह दिन से ज्यादा बीस दिन से ज्यादा रह जाती है तो आई थिंक उसकी फिर जांच होनी चाहिए तो आई वॉज एड कॉन्स्टिपेशन डायरिया डिफिकल्टी इन सॉलोइंग क्या हो सकता है देखिए इसकी वजह से डिफिकल्टी इन सोलोइंग ये है अपना इसोफेगस में दिखा रहा हूँ आपको खादी नली दिखा रहा हूँ इसके अंदर में इसके अंदर में कैंसर है आप जो मिडिल पार्ट जो देख रहे हैं यहाँ के ऊपर में आई वंडर इफ यू कैन सी पेन जो मैं चला रहा हूँ इसके ऊपर में दिस इज कैंसरस पार्ट देखिए क्या होता है खाने की नली का कैंसर इसोपेगस आम शिकायत होती है आदमी को सॉलिड खाने में तकलीफ होती है वो लेके दलिया खिचड़ी खाने लगता है ठीक है बाद में देखा जाएगा दलिया खिचड़ी में तकलीफ होने लगती है वो और उसको लिक्विड करके पीने लगता है जिस दिन वो आता है जनरली हम लोगों के पास में उस दिन उसको लिक्विड्स पीने में भी तकलीफ होती है क्योंकि लिक्विड सारे आपके राइट साइड के पिक्चर में नीचे आके इकट्ठे होने लगते हैं और फिर वो जो एकदम से वाइट लाइन सी जो दिख रही है बूंद बूंद रिस के स्टमक में जाते हैं फिर उल्टी ज्यादा होने लगती है उस दिन आता है बट देन बाई दैट टाइम इट इज लेट और इस सिम्टोमेटोलॉजी में लगभग छह से आठ महीने आराम से निकल जाते हैं तो जागरूक रहिए खाने में तकलीफ हो निगलने में तकलीफ हो तो so प्लीज आपके डॉक्टर को मिलिए जाके राइट कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया ओनली कॉन्स्टिपेशन ओनली डायरिया खाने की आदतों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करूंगा क्योंकि ये आम शिकायत है स्टूल हैबिट्स मालूम होती है कि मुझे एक बार पड़ता है एक बार शाम को जाना पड़ता है लेकिन खाली सुबह शाम की आदत थी अब मुझे दोपहरी में भी एक दफे जाना पड़ रहा है या मुझे शाम को दो बार जाना पड़ रहा है दो चार दिन की रहती है कोई बात नहीं लेकिन अगर दस बारह दिन से ज्यादा रह जाती है विदाउट एनी राइम और रीजन तो आई थिंक सोचने की बात है आपके आपके डॉक्टर के पास जाइए उससे बात कीजिए कि सर ये क्या हो रहा है मेरे साथ के अंदर डायरिया के लिए भी यही सिचुएशन है डायरिया ऑल्टरनेटिंग विदूल के विद

इस लेडी को स्टमक का कैंसर था स्टमक उसका फूल गया ऐसा फूल रहा था ध्यान नहीं दिया एक दिन इतनी तकलीफ हो गई कि अस्पताल इमरजेंसी में आना पड़ा जिस दिन इमरजेंसी में आए उस दिन ऑपरेट करना पड़ा और ये अंदर से पेट में से ट्यूमर निकला उनको राइट अनफॉर्चुनेट लेकिन आने में लेट बहुत हो गई थी ये महिला ये है एक कोलोन का ये अपनी जिसको कहते हैं और ये वाला जो है कैंसरस ओके देन कम्स रीसेंट यूरिनरी सिम्टम्स पेशाब में कोई गड़बड़ हुई है क्या रिसेंटली आपको कहीं पे डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन तो नहीं है डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन एक दिन में नहीं होती है इट टेक्स टाइम है ना? पचास के बाद में जनरली आदमियों को आ, आ, प्रोस्टेट की तकलीफ होने लगती है एंड इट टेक्स टाइम है ना एक तो वो दूसरी बात है कि आ, अगर अचानक से तकलीफ हुई है पेशाब के अंदर रात को ठीक सो दे सुबह तकलीफ हुई है मे बी स्टोन मे बी समथिंग एल्स ओके अपन उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ के ऊपर में अपन बात करें लॉन्ग टर्म डिफिकल्टी पासिंग यूरिन और आप अपने डॉक्टर के पास भी नहीं जा रहे हैं ना उस सिचुएशन की बात करें अपन लेकिन एक बात जो जरूरी है कि यूरिन में ब्लड तो नहीं आए अगर यूरिन में ब्लड आया है एंड स्पेशली इन मेल्स दैट इज अ वार्निंग साइन इट कुड बी एनी थिंग इट कुड बी अ स्टोन इट कुड बी अ ग्रोथ इट कुड बी अ कैंसर इट कुड बी एनी थिंग अगर यूरिन में ब्लड आता है आदमियों को नॉर्मली नहीं आना चाहिए आता है चाहे एक ही बार आया हो इमीजिएटली आपके डॉक्टर के पास जाइए दैट इज वॉट स्क्रीनिंग एंड दैट इज वॉट अर्ली वॉर्निंग साइंस और ऑल अबाउट लेडीज को जनरली मालूम होता है कि अच्छा लेडीज में क्या होता है कि डेसिया और यूरिन इन्फेक्शन का ज़्यादा इंसिडेंस होता है और उनको मालूम भी होता है कि अगर आज से हमको यूरिनरी इन्फेक्शन हुआ है आज से अगर हमको पेशाब में तकलीफ हुई है हो सकता है एक दो बार हल्का सा ब्लड है उसके बाद में ठीक आ जाए देखिए वो चीज उसकी नॉर्मल है उसको मालूम है उसके साथ में क्या हो रहा है लेकिन अगर नहीं मालूम है तो फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास के अंदर में तो आदमियों में क्या क्या हो सकता है प्रोस्टेट यूरिनरी ब्लैडर किडनी सबके अंदर में पेशाब की तकलीफ हो सकती है और यूरिन में ब्लड आ सकता है लेडीज के अंदर में यूरिनरी ब्लैडर की तकलीफ हो सकती है किडनीज की तकलीफ हो सकती है राइट इसके लिए भी आपको जो है आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यदि आपको लगता है कि नहीं इस बार पेशाब की तकलीफ ज्यादा है या इस बार खून अपेक्षित मात्रा से ज्यादा आए तो आपको तो आपको जाना चाहिए देखिए आप जरूर जाए डॉक्टर के पास में भगवान करे सब कुछ अच्छा निकले लेकिन सावधानी बरतना आपके हाथ में है सिम्टम्स लगते हैं जरूर जाइएगा प्लीज ये प्रोस्टेट है ऊपर वाला ब्लैडर है ये ब्लैडर है दिस इज एरिया ऑफ द और द प्रोस्टेट ये आपको किस तरह ये दिख रहा है पेशाब की नली को दबाता है ये तकलीफ होती है देन कम्स अ नॉन हीलिंग अल्सर एनीवे अगर कोई अल्सर है और अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो अः जनरली क्या होता है चोट लगती है आपको मेरे को चोट लगती है चक्कू से हाथ कटता है ठोकर से आपका स्किन छिल जाती है मालूम होता है मेरे को कि जनरली चार पाँच छह दिन लेगा और ये चोट एकदम से ठीक हो जाएगी शुगर वालों को पता होता है कि भाई औरों की चोट छह दिन में भरती है हमारी चोट को सोलह दिन लगते हैं भरने में ठीक है मेरा नॉर्मल छे दिन है शुगर वाले का सोलह दिन है जो मुंह में जो सफेद रंग के छाले हो जाते हैं राइट एफ्तस अल्सर जिनको बोलते हैं वो भी मालूम होता है इलाज लेंगे तो उसका सात दिन में ठीक होगा नहीं इलाज लेंगे तो हफ्ता बढ़ लगेगा राइट अल्सर के साथ में बट इफ देर इज एन अल्सर नॉट ही सही समय दे दिया टाइम दे है छह की जगह मैंने अपनी जगह उसको सोलह दिन दे दिए हैं बीस दिन दे दिए अभी तक भी अल्सर नहीं जा रहा तो अब तो किसी को दिखाना बनता है भाई नहीं अगर अल्सर का ध्यान रखेंगे तो ये उसका रूप ले सकता है जनरली ओरल मेलेग्नेंसीज जो है ना मुंह के अंदर जो मेलेग्नेंसीज होती है लिप की होती है टंग की होती है अपन जो गालों का जो भीतरी हिस्सा होता है उसकी होती है दांत और जबड़ा और गाल के बीच में जो जगह होती है जिसको कि जी सल्कस बोलते हैं उसमें जो मेलेग्नेंसीज होती हैं जनरली अल्सर से स्टार्ट होती हैं है ना पान खाते हैं तम्बाकू खाते हैं खैनी दबाते हैं उधर में अल्सर बनता है हील नहीं होता तो ये दिस इज एन अर्ली वार्निंग साइन की अल्सर है ठीक नहीं हो रहा है प्लीज आपके डॉक्टर को जाके दिखाइएगा दिस इज ल्यूकोप्लेकिया दिस इज ऑल्सो कंडीशन इसमें क्या होता है कि ओरल कैविटी के अंदर में ये आपको तालू जीप के नीचे का हिस्सा दिख रहा है दांत के पीछे का जीप के नीचे का हिस्सा है जहां पे कि ये सफेद रंग का जो है डिस्कलरेशन हो जाता है वहां के ऊपर में ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं इसको अगर इस स्थिति तक आप आ गए हैं तो यू कांट ब्लेम एनी बडी बट योर डॉक्टर के पास में बहुत पहले जाना चाहिए था राइट अभी भी अभी भी जाके इस चीज का जो है समाधान करवाइएगा आपके डॉक्टर के पास जाके दिस वॉज अगेन अ स्मॉल नॉन हीलिंग अल्सर ऑफ द अंदर से चालू हुआ था गाल के अंदर से इन महिला ने पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया इतना बड़ा हो गया कि गाल फाड़ के गाल चीर के जो है अब ये दिख रहा है इसका नॉन हीलिंग अल्सर प्लीज इसके नजदीक भी मत जाइए ऐसी कोई स्थिति मैं नहीं चाहता कि किसी के भी आए ये भी एक उसी तरह की पिक्चर है कुछ तो ज्यादा अच्छी नहीं लगती देखने के लिए लेकिन इन पिक्चर्स का इम्पैक्ट होता है लोगों को समझ में आता है कि क्या हो सकता है उनके साथ के अंदर में दिस इज अगेन प्ले किया ओके कम्स अनयूजअल ब्लीडिंग यू नो अनयूजल ब्लीडिंग फ्रॉम एनी इन द बॉडी ब्लीडिंग एज सच इज अनयूजल एंड स्पेशली ट एवर आई सेक्सेप्ट फॉर दी एक्सेप्ट फॉर ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी एंड दीरियड ब्लीडिंग इन वेमेन उसके अलावा जो ब्लीडिंग है वो एब नॉर्मल उस बात को हरदम ध्यान रखिएगा प्लीज मुंह में खांसी से आ रहा है या कि आपको गले से आ रहा है स्टूल के अंदर में आ रहा है क्या यूरिना से आ रहा है क्या में आ रहा है क्या पोस्ट क्वाइटल है क्या आई I मीन mean, में ब्लीडिंग है क्या हैवी पीरियड है क्या देखिए लेडीज को मालूम होता है है ना कि पीरियड के अंदर में कितना होता है उनको अगर ज्यादा हो रही है आपको जाना पड़ेगा आपके डॉक्टर के पास में है ना घर बैठे समाधान उस चीज का नहीं होने वाला है नाक में से ब्लीडिंग हो रही है क्या स्किन में से ब्लीडिंग हो रही है क्या सो ब्लीडिंग इज ऑलवेज साइन विच नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड अर्जेंटली सुबह जाइए छोटी right? थी मेरे ख्याल से छ एक साल की रही होगी इसके नाक में से ब्लीडिंग होती थी राइट right? फॉर्चुनेटली नाक में से ब्लीडिंग होती थी तो मां बाप को जल्दी चेत आया लेके आया उसको जांच करा पता लगा एकमिया है ठीक है बच्ची बच गई अच्छा था भगवान की दया थी अच्छा देन कम्स लम स्पेशली इफ इट इज पेनलेस हार्ड परसिस्टेंट और इन कोई भी स्वेलिंग हो बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग हो बॉडी में राइट एक तो माता ठनकता है कि भाई एक तो ये इतने दिन से स्वेलिंग है इस आदमी ने ध्यान क्यों नहीं दिया राइट एक उसमें दर्द नहीं है शायद इसलिए ध्यान नहीं दिया स्वेलिंग ही तो है चली जाएगी अभी तो दर्द भी नहीं है बाद में देखेंगे राइट और वो स्वेलिंग अपने आप से जा ही नहीं रही है भाई क्योंकि कभी कभी होता है कोई इन्फेक्शन की वजह से दांत में कुछ खराबी तो हो हो होती है तो गर्दन में स्वेलिंग हो जाती है यहाँ के ऊपर इधर स्वेलिंग हो जाती है दांत में कुछ खराबी होती है तो पाँव में चोट लगती है तो अपना जो ग्रोइन होता है जहाँ पे जंगा अपने आपके शरीर से मिलती है वहाँ पे कभी कभी स्वेलिंग हो जाती है हाथ में हाथ में चोट लगने से यहाँ पे बगल में स्वेलिंग हो जाती है कांख में लेकिन ये स्वेलिंग को जा ही नहीं रही है मेरी चोट भी ठीक हो गई फिर भी स्वेलिंग नहीं जा रही है और स्वेलिंग आहिस्ता आहिस्ता बड़ी भी हो रही है राइट ऑल दीज आर वार्निंग साइंस प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा कहाँ हो सकती है ब्रेस्ट में हो सकती है और गर्दन में यहाँ जो होती है और ग्रोइन में जो होती है और ये बगल में जो होती है कांख में इन सब के अंदर में लिम्फ नोड्स होते हैं राइट right? उनके अंदर में जो है अगर स्वेलिंग होती है तो मुश्किल होती है उसकी जांच होना जरूरी है टेस्टिकल्स में स्वेलिंग है क्या स्ट्रोटम में स्वेलिंग है क्या जरूरी है जांचना क्या है हार्निया हो सकता है हाइड्रोसील हो सकता है कुछ भी हो सकता लेकिन तो है लेकिन जांच तो कराइए पहले जाके उसके बाद ही तो पता लगेगा क्या है राइट और हाथ पाओ में स्वेलिंग है क्या कहीं के ऊपर में जनरली पूरे पाओ में स्वेलिंग होना इतना खतरनाक नहीं होता है जितना कि लोकलाइज स्वेलिंग खतरनाक हो जाती है एक एक लिंब की राइट उस बात को ध्यान में रखिएगा ओके नाउ दिस इज द स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट मूमन आमतौर पर देखने को मिलती है लेडीज के अंदर में शर्मा शर्मी के अंदर में हिचक होती है डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते घर में किसी को बताना नहीं चाहते और अल्टीमेटली फिर ये रूप धारण कर लेती है उस राइट दिस इज अ ब्रेस्ट ट्यूमर अब इतना बड़ा कैसे हुआ आई I अब mean, कोई एक्सप्लेनेशन है क्या इस बात का राइट बट दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ये आंख के ऊपर स्वेलिंग थी इन सर्जन को आंख के ऊपर में स्वेलिंग थी

इस कंडीशन में आते हैं इंडिया में हेड एंड नेक ट्यूमर हैं सबसे ज्यादा इंसिडेंस है और जनरली इसी इसी अवस्था में आते हैं गर्दन में एक छोटी सी स्वेलिंग चालू होती है होती रहती है होती रहती है अभी दर्द नहीं है अभी ठीक हो जाएगी इससे झाड़ फूक करवा लिया उसे दवाई ले लिया उसे ले लिया कुछ नहीं हुआ जब तक आता है वो इस स्वेलिंग के इस स्वेलिंग को लेके आता है और जनरली दिस इज स्टेज थ्री राइट सर्जरी अगर संभव है सर्जरी करा लीजिएगा नहीं संभव है तो फिर रेडियो कीमोथेरेपी से ही इनका इलाज हो पाता है लेकिन इसकी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है देखिए जब तक आप अपने प्रति सजग नहीं होंगे अपने प्रति सचेत नहीं रहेंगे जब तक इस तरह की पिक्चर्स आपके घर में आपके पड़ोसियों में होती रहेगी प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है और मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा अपने सबको यह जानना जरूरी है दिस इज अ बोन ट्यूमर लोअर एंड ऑफ द लेग और इसके अंदर में ये जो एब्नॉर्मैलिटी दिख रही है ये पास में जो एब्नॉर्मैलिटी यहाँ के ऊपर में सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग थी पाओ की स्वेलिंग थी ये ये इस आदमी को बोन ट्यूमर था तो अ स्वेलिंग परसिस्टेंट हार्ड पेनलेस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग साइज कोई भी अगर एक साइन हो चारों साइन होना जरूरी नहीं है प्लीज है ना यहाँ से ये मत लेके जाए कि चारों साइन होने चाहिए नहीं कोई भी एक साइन हो जाके दिखाइए Uh, गड़बड़ है पहले खांसी की बात करते हैं खांसी में अगर गड़बड़ है right? या खांसी में अगर खून आया तो मतलब बलगम में अगर खून आया तो देखिये जो स्मोकर्स होते हैं उनको मालूम होता है कि भाई मैं दिन के दस सिगरेट पीता हूँ मैं सुबह सुबह उठता हूँ पंद्रह मिनट के लिए खांसी आती है सफेद रंग का बलगम आता है उसके बाद में आराम मिल जाता लेकिन उसी स्मोकर को ये लगे कि पहले तो मेरे को पंद्रह मिनट ही खांसी आती थी अब मेरे को पच्चीस मिनट खांसी आती है तीस मिनट खांसी आती है बलगम का रंग भी कुछ चेंज हुआ है शायद not sure, लेकिन हो सकता है राइट right? फिर तीन महीने के बाद में चेंज हो ही जाएगा बट द पॉइंट इज दैट अगर आज तीन महीने पहले चार महीने पहले अगर उसको आभास हुआ इस बात का तो फिर उसको घर नहीं बैठना चाहिए उसको जाके दिखाना चाहिए अब सिगरेट पीते थे वो बात तो अब उस बात को तो लौटा नहीं सकते कि नहीं पीना तो नहीं कर सकते उसको लेकिन अब शर्म छोड़िएगा हिचक छोड़िएगा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इमिजिएटली राइट होर्सनेस ऑफ वॉइस आवाज में कुछ गड़बड़ हुई है क्या ठीक है कहीं पे चिल्ला के आए हो शादी ब्याह में डांस करके आए हो कुछ और करके आए आयो बैठेगी आवाज मौसम बदलता है एलर्जी की वजह से किसी भी वजह से बैठती है आवाज सबकी बैठती है लेरेंजाइटिस सबको हो सकता है ऑफ एंड ऑन हो सकता है राइट आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि आवाज नहीं निकल रही है उसने आपको दवाई दी है दवाई भी खाई है आपने लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आवाज में कुछ गड़बड़ है तो फिर जाके दिखाइए जरूरी है क्योंकि गले में कुछ हो रहा है राइट लंग्स में कुछ हो सकता है इसलिए आपको जाना जरूरी है वहां के ऊपर में तो गले में कुछ हो सकता है लैरिंग्स में जो आपका साउंड बॉक्स है उसमें कुछ हो सकता है और आपके लंग्स में कुछ हो सकता है और क्या हो सकता है ये अपनी वोकल कॉर्ड्स हैं जो स्क्रीन में जो लेफ्ट पे जो वोकल कॉर्ड्स आप देख रहे हैं वो देखिए उसमें स्वेलिंग आई भी है बीच में एक गोला सा भी है ये उसका वोकल कॉर्ड का कैंसर है इस मारे से इसकी आवाज में फर्क था ओके देन कम्स ये ये लंग ट्यूमर है आप लेफ्ट लंग के अंदर में देख रहे हैं एक ट्यूमर है आवाज की एक नस यहीं से होके जाती है उसको अगर ये दबाएगा ट्यूमर फर्क आवाज में आएगा लेकिन लेकिन प्रॉब्लम लंग के अंदर में है दिखाना जरूरी है आपने आपने ई एन टी को दिखा दिया ई एन टी बोल नहीं एकदम ठीक है आप, आपके गले में को कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है तकलीफ आपको बीस दिन से ज्यादा है जाके कि किसी और को दिखाइए भाई है ना आवाज के लिए ढूंढना पड़ेगा क्या हो रहा है आवाज क्यों खराब हो रही है ना दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन दिस इज दिन ऑफ अ लंग देखिए नॉर्मल लंग देख रहे हैं कैसा लाल दिख रहा है हेल्दी दिख रहा है एंड दिस इज लंग ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन स्मोकर्स रंग में फर्क देखा आपने जितना भी कालापन है जितना भी कुछ है ये सब इसके जमा हुआ है अगर नहीं बीमारी होए तो क्या होएगा भाई द लंग हैजू रिएक्ट इन समे न रोज इंसल्ट करेंगे रोज उसको जहर पिलाएंगे एक दिन तो वापस मारेगा ना लंग भी और वो लंग फिर इस तरह का दिखता है स्मोक लंग इस तरह का दिखता है ओके दिस इज द लास्ट ऑफ द वार्निंग साइंस एक और साइन इसके बाद में मैं जोड़ना चाहूंगा बट दिस इज द लास्ट चेंज इन दॉट और मोल अपने शरीर पे जो मस्सा हो जाता है राइट right? उस चीज को वॉट या मोल बोलते हैं वॉट इज एक्चुअली इन आउट ग्रोथ लाइक दिस इन रेगुलर आउट ग्रोथ वो uh, मस्से अपने शरीर में सबके सब सबके होते हैं ना जिनको की लड़कियां अमूमन से ब्यूटी स्पॉट्स बोलती हैं ओके फाइन बट देन इफ द ब्यूटी स्पॉट

एक वार्निंग साइन और होता है जो मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे थेरे पहले इसकी आपको पिक्चर्स दिखा देता तो हूँ मैं दिस इज अ अ मोल व्हिच इज इंक्रीजिंग इन साइज दिस वाज अ मेलानोमा अच्छा अभी एक वार्निंग साइन और जो मैं बता रहा था आपको दैट इज अनएक्सप्लेंड वेट लॉस राइट अनएक्सप्लेंड वेट लॉस सी पीपल हु आर ट्राइंग फॉर अ वेट लॉस जो कि चेष्टा कर रहे हैं एक्सरसाइज uh, करके जिम जाके खाना कंट्रोल करके यू you नो know, हर तरह की डाइट को ट्राई करके आपको मालूम है वेट लॉस क्यों हो रहा है अच्छी बात है फाइन यू आर इन कंट्रोल बट द पॉइंट इज यू आर ईटिंग यू आर ईटिंग वेल हैपिटाइट है आपको राइट right? आपको शुगर नहीं है और कोई बीमारी नहीं है उसके बाद में खाना फिर लक क्यों नहीं रहा फिर वजन कम क्यों हो रहा है दैट इज अ वार्निंग साइन यू नीड टू फाइंड देखिए कोई भी यहाँ पे कहने का भी प्राय़ ये है कोई भी चीज एबनॉर्मल बॉडी के अंदर में हो तो जाके दिखाइए भगवान नहीं करे लेकिन और बीमारी तो पकड़ में आ जाएगी उस बहाने भाई राइट ओके तो नाउ आफ्टर हैविंग टॉक्ड ऑल दिस थिंग्स सेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स क्या चीज अपन uh, कारण क्या है कैंसर का ओके okay? कारण क्या है इफ समबडी वुड टू आस्क मी कि डॉग नेम द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ कैंसर आई वुड से टोबैको 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 राइट टोबैको से अपने शरीर में कुल फ्रॉम वॉट आई आई लास्ट काउंटेड लाइक दिस कम कम से कम भी छब्बीस तरह के कैंसर हो सकते हैं लिप टंग गल कैविटी लेरिंग्स फैरिंग स्टमक ग्लैडर किडनी यूरेटर इन दोनों लंग्स नेमेट और कैंसर आपको जो है टोबैको से हो सकता है ओके इट कुछस्टर्सैप्टेफ नो माइडियर से भी उतना ही नुकसान करता है जितना की आपको सिगरेट से और सिगार से करता है डायटरी फैक्टर्स आप क्या खाते हैं राइट वेदर यू आर अ वेजिटेरियन और यूर अजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है रेड मीट कितना खा रहे हैं राइट दैट इज इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी कितना व्यायाम करते हैं कितना उठ के काम करते हैं या अपने सोफे पर बैठे बैठे चिल्लाते रहते हैं रामू चाहे पानी ले आओ नो नो दे और खाली सोफे से किचन तक नहीं जाना है आगे भी कसरत करनी होती है उसके लिए राइट ओबेसिटी आई थिंक दीज टू अक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इन ओबेसिटी दे मे बी लिंग दे मे नॉट बी लिंग राइट क्वेश्चन सवाल यह है कि अब ओबीज तो नहीं है और अगर तो है तो क्यों है और अगर ओबीज तो है तो आपकी रिस्क ज्यादा ओके तो उस बात का ध्यान रखिए आप थप्पड़ तो मारा ही और उसको बेजत करके और निकाल दिया आपने घर से तो ये मत कीजिएगा डोंट एड एल्कोहल एंड टोबैको ओके रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स स्पेशली इन विमेन कितने बच्चे हुए थे कितनी उम्र में हुए थे राइट फैमिली हिस्ट्री क्या है फैमिली हिस्ट्री तो सभी को लगेगी ओके okay? बच्चों को दूध पिलाया था कि नहीं पिलाया था अपना ऑल दीज हिस्ट्रीज वुड बी इंपॉर्टेंट यू नो इन विमेन केमिकल एंड रेडिएशन एक्सपोजर क्या काम करते हैं राइट right? कोई ऐसी इंडस्ट्री में है क्या जिसमें कि बेन्सिन वगैरह का एक्सपोजर ज्यादा होता हो और कोई से केमिकल का एक्सपोजर ज्यादा होता हो रेडिएशन का एक्सपोजर तो नहीं होता है ठीक है ये सब बातों को ध्यान में रखते ही जो है अपने को कैंसर से अपन प्रिवेंशन कर सकते हैं नाउ डाइट एंड कैंसर द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी रिकमेंड्स फोर थंब रूल्स राइट कैंसर के प्रिवेंशन के लिए जब इतना सब कुछ बता रहे हैं कि ऐसे क, ऐसे होता है ऐसे हो सकता है ये देखो ये देखो तो, तो, तो फिर अपने को बचाव के कारण तो मालूम होना चाहिए ना आपका आ, आ, आप यहाँ से देख के जाए अपने दोस्त को क्या बताएंगे आपके पड़ोसी को क्या बताएंगे सो चूज मोस्ट ऑफ द फूड्स यू ईट फ्रॉम प्लांट सोर्सेज शाकाहारी खाने पे जोर रखिएगा अपने लोग जो कह के गए आगे शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन आई थिंक इट हैज लॉट ऑफ ट्रूथ इन इट बहुत कुछ सत्य है उसमें बहुत उसके अंदर में यथार्थ भरा हुआ है शुद्ध शाकाहारी सात्विक भोजन राइट आई एम नॉट ये नॉलेज मत खाइए बट द पॉइंट इज कि लिमिट में खाइए लेकिन ज्यादातर खाना जो है शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए फाइव और मोर सर्विंग्स एक सर्विंग का मतलब होता है लगभग एक ग्राम राइट तो उसके हिसाब से जो है दिन के अंदर में लगभग फाइव सर्विंग्स कितना हुआ लगभग 500 सौ छह सौ ग्राम जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ये आपके डाइट के अंदर में होना चाहिए और ज्यादा नहीं होता है एक मूली एक गाजर एक खीरा हो जाएगा राइट right. सो so, कोई शाकाहारी खाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है उसके अंदर में हाई फैट फूड्स का इंटेक लिमिट होना चाहिए मिठाई है ज्यादा शुगर है राइट right? इन चीजों का सेवन के अंदर में थोड़ी सी संयम का अपने को बरतना चाहिए देन कम्स सर्टेन फूड न्यूट्रिय टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट

कैंसर का बचाव संभव होता है सो डॉक्टर डायटी प्रिवेंशन हाय डॉक्टर राजेश हेलो अह हाय डॉक्टर राजेश सॉरी सॉरी फॉर द इंटरवेंशन हम वी हैव सम क्वेश्चंस आल्सो हियर सो व्हेन यू वुड सजेस्ट इज द राइट टाइम फॉर अस टू टेक क्वेश्चंस लुकिंग एट आई जस्ट गॉट अबाउट टू और 3 स्लाइड्स मोर श्योर डॉक्टर वी विल टेक द क्वेश्चंस देन थैंक यू ओके सो नाउ राइट सो यू नो जैसे मैंने बोला कि लगभग 500 और 600 हंड्रेड ग्राम्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अ डे कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ जी आई ट्रैट कैंसर स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर का लगभग पच्चीस परसेंट इंसीडेंस घटा सकते हैं सो वॉट आर द प्रोटेक्टिव डायटरी कॉम्पोनेंट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कंटेन वाइटमिन फाइबर फाइटोकेमिकल्स वाइटामिन ई एंड सेलिनियम दोनों एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं आपको फ्रूट्स में से वेजिटेबल्स में अच्छी खासी मात्रा में मिल जाएंगे कैल्शियम एंड वाटर ड्रिंक वाटर प्लीज इट्स इम्पॉर्टेंट यू नो पानी का रिकमेंडेशन क्यों है इसलिए है आजकल सब कुछ ऐसी होता है आपका मेरा घर ए है गाड़ी ए है ऑफिस ए है तो प्यास नहीं लगती है राइट right? पानी पीजिएगा सो इट विल हेल्प टू वॉश ऑफ ऑल दी टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी राइट सो इंसिस्ट ऑन ड्रिंकिंग वाटर स्मोकिंग स्मोकिंग में इतने सारे केमिकल्स होते हैं आप जो टोबैको जो सिगरेट पीते हैं निकोटीन अमोनिया कैडमियम ब्यूटेन मीथेन आर्सेनिक नहीं कैंसर हो तो क्या हो सो गोल्स फॉर द न्यूट्रिशन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी अप्रोप्रिएट वेट कम से कम भी तीस मिनट एक्सरसाइज हफ्ते में पांच से छह दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए रेड मीट छोड़िए चिकन को रिप्लेस कीजिए फिश फॉर प्रोटीन लिमिट एल्कोहल दिस इज वन टू टू ड्रिंक्स राइट इट्स इनकॉ पर डे सो वन टू टू ड्रिंक्स इन वीक सप्लीमेंट लेने की चेष्टा कीजिएगा एंटी ऑक्सीडेंट वगैरह होल ग्रेन सीरियल इन मीट एंड मिनिमाइज डेयरी प्रोडक्ट फाइ फ आखिरी स्लाइड है इफ आई रिमेंबर करेक्टली Be physically active, limit alcohol intake, one to two drinks per week, not per day. Stay tobacco free, enjoy a low fat diet, and protect yourself from the sun between 10 to 4 pm to save yourself from skin cancers. Thank you very much. Thank you uh, so much, Doctor. It was extremely insightful, and uh, uh, zyada apne, uh knowledge or. कैंसर को रूट कॉज से कैसे हम सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं आपने एक्सप्लेन किया थैंक यू सो मच काफी ज्यादा uh, अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन है ये राइट सो डॉक्टर क्वेश्चन है माय मदर सीए ब्रेस्ट कैंसर टाइप ऑफ ईआर हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव एंड हर टू नेगेटिव बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा क्या करना चाहिए देखिए जो सवाल आपने मेरे से पूछा है खाली इस बात के ऊपर में जवाब नहीं पॉसिबल होता लेकिन इफ शी इज ई आर पॉजिटिव पी आर पॉजिटिव हर टू नेगेटिव आई डोंट इवन नो द स्टेज ऑफ द डिजीज बट हर मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट वुड बी हार्मोन थेरेपी अब हार्मोन थेरेपी के साथ और क्या लगेगा उसको डिपेंड्स उनकी स्टेज क्या है डिपेंड्स उनकी जनरल कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा है ना जो भी आपका डॉक्टर हो उसको फॉलो कीजिएगा उसके पास जाइएगा और उसकी ओपिनियन से चलिएगा जो बीमारी एक बार हो जाती है ना और स्पेशली कैंसर के जैसी बीमारी उसको वापस सोने की मना ही नहीं है ओके आप भले ही से इम्प्लांट लगाए भले ही से पार्ट को बिल्कुल हटा दें, भले ही से कुछ भी कर लें, लेकिन जैसे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर में देर इज अ टू परसेंट रिस्क ऑफ रिकरेंस एवरी ईयर तो उतनी तो रिस्क है ही है ना और कैंसर सर्वाइवर कब कब कहते हैं जिस दिन उसकी बॉडी से अपने को ये पता चले कि आज के बाद आज की तारीख में इसके शरीर में कहीं भी कैंसर का कोई अंश नहीं है उस दिन ही और शी इज cancer free and he or she becomes a cancer survivor got it okay um thank you doctor Yes, doctor. Next question is on uh, cancer diagnosis के लिए क्या हर बार किसी medical test या blood test की जरूरत होती है क्या कोई तरीका है कि हम खुद cancer को जल्दी identify कर सकते हैं बिना test करवाए

उस उसपे टाइप कीजिएगा वीडियो ब्रेस सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत सारे विडियोज आ जाएंगे दो तीन देखिए उनके अंदर में से आपको समझ आ जा जाएगा कि कैसे करना का, का है एंड डू अ अल्फ एग्जामिनेशन इट एज हेल्प सेव लाइफ सेवरल लाइव ओके सेवरल हंड्रेड एंड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइव आई वुड से सो डू अ एग्जामिनेशन मेन इट इज वेरी सिंपल जस्ट ओपन योर माउथ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड सी कि कुछ एबनॉर्मल तो नहीं हो रहा है ऑल राइट right. hmm. तो वो देखेगा अगर उसमें कुछ आपको डाउट लगता है तो फिर आपका डॉक्टर के पास जाइए उसको बताइए कि सर कल पिछले हफ्ते तो यहाँ पे अल्सर नहीं दिख रहा था आज मुझे दिख रहा है क्या चीज है मुझे बताइए राइट यू हैव बीन स्लीपिंग साउंडली हैल दीज पिछले साठ साल से आप आराम से सो रहे हैं अब आपको रात में तीन बार आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है क्यों उठना पड़ रहा है भाई देर हैजू बी रीजन बिहाइंड इट ना नब जाइए डॉक्टर के पास के अंदर में इसमें तो कोई जांच आपको लगी ही नहीं ना इसमें तो ना तो मैंने आपको एक्सरे कराने को बोला ना मैंने आपको ब्लड टेस्ट कराने को बोला लेकिन अवेयरनेस तो चाहिए अब जाइए आपके डॉक्टर के पास के अंदर में डायरिया कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन डायरिया राइट खाने में तकलीफ हो रही है किसी ने जांच नहीं कराई है आपकी लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ना कि हो क्या रहा है मेरे को तो जाइए ना डॉक्टर के पास में जांच उसके बाद में होगी और जांच से घबराते क्यों हैं जैसे मैं बताऊं आपको एफएनएसी की जो जांच जो हम जो जो ब्रेस्ट लंप में से करते हैं राइट दस में से नौ जांच हार्मलेस निकलती है फाइब्रोडिनोमास निकलते हैं जो कि कैंसर नहीं होता तो मत घबराइए जाके जांच करके निश्चिंत हो जाइए एक बार राइट राइट ट्रीटमेंट uh, uh, के बाद में रिकरेंस होने के चांसेस होते हैं रिस्क होती है क्या आप बता सकते है कि में आते हैं और इनका रिकरेंस रिस्क कैसे कम किया जा सकता है ना uh, uh, ओवरी ट्यूमर जो होते हैं इनमें इनमें रिस्क सबसे ज्यादा रहती है रेकरेंस की और आप जब भी आपके डॉक्टर के पास से उठ के आते हैं आप जब भी अपने अस्पताल में उठ के अस्पताल से जब उठ के आते हैं है ना डॉक्टर हरदम आपको आने की अगली डेट बताता है कि आपको मेरे पास में अगले हफ्ते आना है अगले महीने आना है तीन महीने में आना है छ महीने में आना है राइट दैट डेट इज एज इंपॉर्टेंट एज योर कोर्ट की तारीख प्रोबली मोर है ना कोर्ट की तारीख में तो आप पोस्टपोनमेंट ले सकते हो इसमें आपको नहीं लेना चाहिए देखिए अगर आप नहीं जाएंगे ना अस्पताल नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास में कोई आपको पकड़ने नहीं आ रहा राइट right? कोई आपका कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ रहा कि आपकी हाजिरी क्यों नहीं हुई अस्पताल में बट द पॉइंट इज अस्पताल जाना आपके हित में है आपके फायदे के लिए है डॉक्टर को कुछ नहीं मिलेगा आप नहीं जाएंगे उसके बाद दस पेशेंट और बैठे बाहर राइट बट द पॉइंट इज दैट दैट मैन देखना चाहता है वो और इसमारे बुलाता है आपको बार बार और जैसे जैसे वक्त निकलता जाता है वैसे वैसे फॉलोअप का इंटरवेल भी बढ़ता जाता है शुरू में हो सकता है कि आपको एक एक महीने से बुलाए फिर उसके बाद में अगले साल तीन तीन महीने से आपको बुलाएगा दो साल के बाद में जनरली फॉलोअप जो पीरियड होता है छ महीने का हो जाता है जनरली है ना और पांच साल के बाद में फॉलोअप पीरियड आपका एक एक साल का हो जाता है अब साल में एक दिन तो अपने लिए जा सकते हैं ना भाई hmm. एक दिन तो अपने लिए निकाल के जा सकते हैं साल में एक दिन की बात है उसमें उसमें अगर आपको सारा दिन भी अगर आपको लाइन में बैठना पड़े अस्पताल में तो क्या मुसीबत है मुझे को तो आज तक समझ में नहीं आई ये बात hmm. राइट कोई पेशेंट आता है अठारह महीने के बाद में आता है भाई तुम उस दिन क्यों नहीं आए डॉक्टर साहब हम आए तो थे लेकिन आपके चेंबर के बाहर में तो पच्चीस आदमी बैठे थे तो हम तो चले गए फिर क्या कर लिया जाके आपने क्या भाई सो यू नो वॉट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा हित किस में है ये जब तक नहीं समझेंगे ना अपने लोग जब तक वो जैसे मैंने ब्रेस्ट की फोटो दिखाई ना आपको इतनी बड़ी वैसी आती रहेंगी इतनी बड़ी यहां पे गांठ हो जाएगी लोग आते रहेंगे वैसे आपका हित उसको अवॉइड करने में नहीं है जिस दिन वो इतनी सी होती ना उस दिन आपका हित आने में है मेरे पास में, आपके हॉस्पिटल के के hey, nice, yeah. right, right, right. करते हैं exactly, yeah. छोटी सी चीज है बट नहीं पता वो कितनी बड़ी बन सकती है काफी, आ, आ, काफी अच्छा बात आपने बताया क्योंकि इन चीजों पे जो बॉडी खुद सबसे ज्यादा सिम्टम्स देती है और हमेशा खुद की बॉडी को सुनना चाहिए कि जैसे आपने बताया क्या अनयूजल हो रहा है क्या चीज पहले नहीं होती थी अब मुझे शुरू हुई है अब हुई। और सबसे अर्ली डिटेक्शन इस खुद की बॉडी को सुनना कि क्या गलत चल रहा है बॉडी में दैट इज द बेस्ट वे टू अर्ली डिटेक्ट की हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए बॉडी क्या सिग्नल दे रही है और उसके ऊपर फिर एक्ट करना चाहिए सो थैंक यू फॉर स्ट्रेसिंग ऑन इट मोर डॉक्टर एंड एक क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो सेल्फ असेसमेंट की काफी टेक्निक्स है बट बाकी कैंसर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं उनका कैसे कर सकते हैं देखिए ऐसा है कि बाकी के लिए ही तो वार्निंग साइंस ना भगवान नहीं करे आपको बीमारी हो बट पॉइंट इज़ कि बीमारी को कोई रोक नहीं सकता होने से है ना खाली आप और मैं इतना कर सकते हैं कि बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ लें और पचास की उम्र के बाद में तो रेकमेंडेड है ही कि एक बार जाके साल में अपनी डॉक्टरी जांच तो है पूरी क्या भाई नहीं होता कई कंपनियों में हेल्थ पूरी हर साल ये सब उसी के लिए तो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो आपकी जांच कराइए और एक साल में एक दफे आपका जो भी फैमिली फिजिशियन है उसके पास जरूर जाइएगा तो Uh, अपना ये जो एटीट्यूड जो है ना कि uh, हमने तो पिछले पांच साल से डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा है भगवान आपको स्वस्थ रखे बट रिस्क इसमें रिस्क किसकी है आपकी है कि डॉक्टर की है क्या भाई तो यू you नो know, ये बातें सब uh, अपने को सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा ओके नहीं कुछ बीमारी है देखिए स्क्रीनिंग क्या होती है नो you स्क्रीनिंग know, के लिए जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं हम लोग hmm. कोई भी कैंसर हॉस्पिटल है कैंसर कैंप है स्क्रीनिंग के लिए भी इनवाइट करता है ना तो हम लोगों की ये मंशा नहीं होती कि नई बीमारी खोजे नए मरीज़ पकड़ के लाए वहाँ से ये मंशा नहीं होती है स्क्रीनिंग कैंप की स्क्रीनिंग कैंप हम लोग इसलिए करते हैं कि फोर्चुनेटली फ्रॉम आवर ट्रेनिंग एंड फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस फ्रॉम वॉट वी हैव सीन ऑफ द डिजीज वी कैन स्पॉट सम साइंस इन योर बॉडी जो कि आप लोग नहीं स्पॉट कर पाते और हम आपको बता सकते हैं कि भाई आपको ये है आपको ये चीज हो सकती है आगे जाके इसका प्रिकॉशन अभी ले लीजिएगा स्क्रीनिंग का वो मतलब होता है लेकिन अपने यहां क्या होता है जब हम स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो लोग ऐसे मिलते हैं जैसे कि अब तक तो आए नहीं थे और आए तो इतनी बड़ी बड़ी गांठें लेके आते हैं ट्यूमर्स लेके आते हैं फिर उनको हम लोग कहते हैं हॉस्पिटल के इलाज कराओ

ठीक है तो आपको कहीं और से भी अगर इसके लिए ओपिनियन लेनी हो तो प्लीज गो हेड एंड डू इट ओके थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर वन क्वेश्चन व्हिच ट्रीटमेंट आर इफेक्टिव एट लेट स्टेज ऑफ इसोफेगल कैंसर अगेन यू नो इट्स अ वेरी ओपन क्वेश्चन वेरी ओपन क्वेश्चन इफ यू से लेट स्टेज आई वुड अज्यूम की सर्जरी नहीं हो सकती है राइट दैट इज वॉट आई वुड अज्यूम बट देन कीमोथेरेपी है रेडियोथेरेपी है इम्यून है

Uh, मेरी चेष्टा यही रहती है कि मैं अपनी जो कोर्स कॉम्पिटेंसी uh, है योगा से कैंसर में कितना आराम मिलता है मेरे को समझ नहीं है भाई है ना? Mm. और एंटी कैंसर डाइट से क्या होता है दो थिंग्स हेल्प एंटी कैंसर डाइट्स हेल्प बट यू नो वट आई डू इफ पेशेंट्स मी दीज क्वेश्चन I I send them to the appropriate person. Hmm, right. I send them them to to the the appropriate appropriate person. person कि, कि आप उसके पास चले जाइए yeah. uh, uh, आपका सेशन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था एंड काफी ज्वाइन किए हैं जो की बारे में शुरू से समझना चाहते थे हमेशा बस डायग्नोसिस होके भागते हैं ट्रीटमेंट करवाते हैं बट इतना बेसिक फंडामेंटल से समझना पहली बार ना फंडामेंटल से समझा है सो थैंक यू फॉरिंग की हेल्प होगी जो सेल्फ असिस्मेंट प्रैक्टिस के बारे में बताया आपने लाइफ के बारे में बताया डाइट स्मोकिंग टॉबेको एक्सरसाइज जनरल पब्लिक और हर घर पे इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं हम एंड जो रिकरेंस प्रिवेंशन के अप्रोचेस के बारे में बताया वो काफी हेल्पफुल है सभी सर्वाइवर्स के लिए सो अर्ली डिटेक्शन से लेकर के आफ्टर ट्रीटमेंट आल्सो रूटीन प्रोटोकॉल्स फॉलो करना डॉक्टर्स के पास टाइमली जाना स्क्रीनिंग कैंप्स और हमने आई थिंक पूरा वाइडर स्पेक्ट्रम पूरा कवर किया है कैंसर के जर्नी का Really, really appreciate you, know know she, yeah. uh, for sharing this and uh, taking our time on this World Cancer Day, Doctor. Thank you so much. Thank you, Dimple, and so nice of you to invite me. अगर आगे कुछ अवेयरनेस पे कुछ हो तो लेट मी नो राइट इट्सिंग व्हिच आई लाइक टू डू थैंक यू हैव अ गुड डे बा